Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. Now we are going to study with the part 6, that is the AIDS. So what is the full form of AIDS? That is acquired immunodeficiency disorder. Acquired immunodeficiency disorder. This is the full form of AIDS. So it is the deficiency of the immune system in which the immune system is weakened. Syndrome means a group of symptoms that is exhibiting something. सो इम्यून सिस्टम वीक होने के साथ हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, सिंड्रोम्स आने शुरू हो जाते हैं. दैट इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. द डिसीज ऑफ एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और वी ऑल्सो कॉल दिस ऑर्गेनिज्म एज HIV वायरस. HIV इज अ रेट्रोवायरस विद RNA जीनोम. HIV इज द रेट्रोवायरस. व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस मीन्स द वायरस विच इज हैविंग RNA as the genetic material. So these are the retrovirus, and an example of retrovirus is HIV. The full form of HIV is human immunodeficiency virus, and the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Okay. AIDS was first of all reported in America, that is 1981. In the last 25 years, it has killed over 25 million of persons because, you know, whatever the viral diseases, are having no cure against them because these viruses use up the host machinery. These viruses use up the host machinery and construct a medicine or drug against them. Means that we are constructing, we are preparing our cells to be destroyed. So this is the basic concept. Yes. Hanji students, AIDS was first reported in America in 1981. In last 25 years, it killed 25 million persons. So how is this transmission of AIDS is done? How does this virus transmits from one affected person to the other person? This is one affected person that is having a sexual contact with the other person. So he is infecting the second person. Next is that infected person is donating his blood, and his blood is consisting of the AIDS virus in it. And जिस भी पर्सन को ये ब्लड जो इसने डोनेट किया है
वो जाएगा उस पर्सन को, तो फिर वो ब्लड, वो पर्सन भी क्या आ जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एड्स वायरस है, इट इज नॉट स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, ऐसे कहीं नहीं फैलता है. दिस इज स्प्रेड अप विद द यू नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मतलब विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड्स. ये फ्लूइड से फैलता है, जैसे कि ब्लड हो गया या सीमेन हो गया एंड अदर थिंग्स. थर्ड इज शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स. अगर कोई पर्सन है, किसी पर्सन के अंदर इंजेक्शन लगा है, कोई नीडल लगा है, जो नीडल है वो पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया हुआ है, एंड वो नीडल किसी और पर्सन ने यूज कर लिया, और वो क्या हो गया, पर्सन भी क्या आ जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो मदर इन्फेक्टेड है उसके चाइल्ड को ये चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा एंड ऑफ कोर्स बेबी इज इन द मदर, तो फिर इनका ब्लड कॉन्टेक्ट तो होता ही है, तो ब्लड के थ्रू ही ये डिसीज है जो फैलता है. सो हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV, हु आर द पीपल दैट आर इन्फेक्ट दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग HIV इन्फेक्शन. एज वी हैव सीन कि HIV जो इन्फेक्शन है वो फैलता है विद द हेल्प ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल्स. तो जो लोग, द इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, जो लोग बहुत लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं, दे आर एट द रिस्क दैट वो इन्फेक्टेड हो जाए एंड आगे भी वो लोगों को इन्फेक्ट कर दें. नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो स्टूडेंट्स, कई बार जो डोनर है, सपोज करो आई एम डोनेटिंग द ब्लड, तो मेरा ब्लड जो होगा वो नहीं चेक किया जाएगा कि इज इट HIV पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड. ठीक है, तो HIV पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं चेक किया जाएगा. जिससे क्या होगा, यही ब्लड जो इन्फेक्टेड है किसी और पर्सन को चढ़ा दिया जाएगा, जिसको थैलेसीमिया है. थैलेसीमिया वाले पर्सन को लगातार होल ऑफ देयर लाइफ ब्लड चाहिए होता है, तो उन पर्सन के पास ये ब्लड जाएगा. एंड वो जो थैलेसीमिक पर्सन है उसको तो पहले से ही थैलेसीमिया है, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से उसको एड्स भी हो जाएगा एंड वो बहुत जल्दी मर जाएगा. नेक्स्ट इज अ ड्रग एडिक्ट्स. ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, वो इंट्रावेनसली, मतलब इनसाइड देयर वेन्स ड्रग्स लेते हैं. तो इन ड्रग्स का क्या नुकसान है कि ये ड्रग्स इन्फेक्टेड पर्सन ले सकते हैं. सपोज करो एक पर्सन ने किसी से ड्रग ली, जो पर्सन था इन्फेक्टेड विद एड्स, तो ये खुद भी इन्फेक्टेड हो गया, जब किसी और की दोबारा से नीडल यूज करेगा और वही नीडल किसी और को दे देगा यूज करने के लिए. सो इन दिस वे दिस इज अ चेन जिससे वो इन्फेक्ट करता रहेगा. एंड ऑफ कोर्स अगर कोई मदर है, वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ऐसे बच्चे को पैदा करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको पहले से एड्स होगा और एड्स वाले बच्चे को नहीं बचाया जा सकता. इट इज बेटर कि एक लाइफ और खराब करने की बजाय आप उस पर्सन का अबॉर्शन करवा दो. नेक्स्ट इज किसिंग, हगिंग, शेयरिंग फूड, इंसेक्ट बाइट्स, टॉयलेट सीट्स, बेदिंग, स्नीजेस एंड कफ्स, स्विच से HIV नहीं फैलता है. इट ओनली स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी फ्लूइड. देयर इज अ टाइम लैग फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 years. सपोज करो किसी पर्सन को एड्स है, उसको पता ही नहीं है कि उसको एड्स है. जब तक किसी को सिम्टम्स नहीं आते हैं तो वो टेस्ट भी नहीं करवाता है. सो देयर इज अ टाइम लैप्स. ये टाइम लैप्स डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. हो सकता है कि एक 35 साल का पर्सन है, उसको एड्स हुआ, उसको 1 साल के बाद सिम्टम्स आने शुरू हो गए, और एक 20 साल का पर्सन है, उसको एड्स हुआ और उसको अभी तक 25 साल तक की उम्र तक कोई एड्स के सिम्टम नहीं आए. सो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द सिम्टमेटिक पीरियड. नाउ हाउ डज दिस रेप्लीकेशन ऑफ रेट्रोवायरसेस अकर? स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन नोन एज द रिवर्स
transcription. Reverse transcription is the phenomena that occurs in the organisms which are affected with the AIDS. तो AIDS वाले person को reverse जो रेट्रोवायरसेस हैं वो उनके पास क्या होता है, आरएनए होता है, वो अपने आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये प्रोसीजर जो है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब रेट्रोवायरसेस एंटर इनटू द सेल एंड द वायरल आरएनए इज नाउ इनटू द सेल. नाउ दिस वायरल आरएनए इज एंटरिंग इनटू द होस्ट जीनोम एंड होस्ट जीनोम के अंदर जाके वो न्यू वायरल डीएनए आरएनए फॉर्म कर रहा है and new viruses are being produced or new viruses are affecting the other cells. Now yahan pe dekho students, viral DNA produced by reverse transcriptase is going into the cell. Yahan pe viral RNA aaya cell ke andar, wo viral DNA ke andar convert ho gaya and then wo viral DNA dobara se viral RNA ke andar convert ho gaye, fir infection cause kar raha hai. Matlab DNA ke andar jaane ke liye usko DNA ke andar convert hona padta hai, lekin infection cause karne ke baad wo dobara se kya aa jata hai, RNA ke andar convert ho jata hai. Now what is the life cycle of HIV? We can see here that HIV is entering inside the body and then it is going to the macrophages and macrophages are the cells that are acting as a HIV factory. So bahut sare RNAs produce ho jate hain macrophages ke andar, then RNA replicates in the presence of reverse transcriptase to form viral DNA. Abhi RNA kya kar raha hai, replicate kar raha hai reverse transcriptase enzyme jo hamare andar present hota hai एंड वायरल डीएनए बना रहा है. अब वायरल डीएनए हमारे सेल्स के अंदर जा रहा है एंड हमारे इफेक्टेड सेल्स फिर से दोबारा वायरस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारे और सेल्स भी कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड? द पर्सन सफर फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस. Due to deficiency of TH cells, the person may be affected with the mycobacterium, viruses, fungi and parasites like toxoplasma. तो ये सारे जो होती हैं, problems, ये सारे symptoms जो है एक person जिसको AIDS है वो show करता है. ELISA is the enzyme linked immunosorbent assay. ये test होता है जो क्या करता है, AIDS की presence को, HIV virus की presence को indicate करता है with the help of the enzyme. वो enzyme क्या होता है, antigen related होता है, HIV के structure को resemble कर रहा होता है. इससे क्या होता है, एचआईवी जो वायरस है वो एंजाइम के साथ लिंक हो जाता है एंड फिर हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को एड्स है या नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एलाइजा एंड द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा. देन एंटीवायरल ड्रग्स. एंटीवायरल ड्रग्स आर पार्शियली इफेक्टेड. दे कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि हमें पता है कि वायरसेस के अगेंस्ट कोई भी किसी भी टाइप की इफेक्टेड ड्रग नहीं बना सकता. हम जहां पर्सन ने एड्स होने के बाद 5 साल जिंदा रहना था, अब वो 10 साल जिंदा रह सकता है. सो ओनली द लाइफ ऑफ द पर्सन कैन बी प्रोलॉन्ग बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड. नाउ व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ एड्स? यू नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी हैव टू एजुकेट द पीपल अगेंस्ट द एड्स डिसीज, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम सो दैट व्हाइल हैविंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पर्सन शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज वेल एज अदर्स. Making blood banks safe from HIV, then regular checkups for HIV, advocating safe sex and controlling drug abuse, क्योंकि drug abuse के केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो person को infected होने के chances होंगे ही होंगे. That was all about the AIDS. AIDS is an incurable disease, but it is affecting many many people. So prevention is better than cure. You all should be taking care of the this disease. Now cancer. Students, cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells resulting in the formation of a tumor. हाँ जी, cancer जो आपको एक बहुत बड़ी बीमारी लगती है, कुछ भी नहीं होता, uncontrolled division होती है. मतलब कि एक cell है, एक cell का क्या आता है students, a cell undergoes interphase के अंदर उसके पास G1 S और G2 फेज होते हैं, ठीक है, एंड देन
they are having the M phase. ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सेल फुली ग्रो होगा, फुली मैच्योर होगा, उसके बाद ही डिवाइड करेगा. लेकिन कैंसर के अंदर ऐसा नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती रहती है पहले तो, ठीक है. और सेकेंडली कि जो फुली ग्रोन सेल्स भी, मतलब जुविनाइल सेल्स, क्या करने लग जाते हैं, सेल डिवीजन करने लग जाते हैं. इसीलिए कैंसर कुछ ज्यादा खतरनाक डिसीज मानी गई है. नॉर्मल सेल्स शो अ कॉन्टैक्ट इनिबिशन. कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है कि अगर बहुत सारे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जब दो सेल्स कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, टच कर जाएंगे एक दूसरे से, तो उनकी जो सेल डिवीजन है वो क्या कर जाएगी, रुक जाएगी. लेकिन कैंसर सेल्स के पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक मास फॉर्म कर लेते हैं सेल्स का, जिसकी वजह से वो वीड्स की तरह एक्ट करता है. वीड्स का क्या फंक्शन होता है, वीड्स हमारे जो प्लांट्स होते हैं, यूजफुल प्लांट्स, उनको ग्रो नहीं करने देती, खुद न्यूट्रिशन लेती रहती है. वैसे ही कैंसर सेल्स है, हमें न्यूट्रिशन नहीं जाने देती, खुद न्यूट्रिशन ले लेके वो क्या होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, द बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट, ठीक है. तो देखो, बिनाइन ट्यूमर कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, they do not spread to the other parts and cause a little damage. Benign tumor इतना ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं होता है, कुछ भी outgrowth हो गई है तो this is a benign tumor. That's you can see in the case of tongue, gingiva, palate and buccal mucosa. Fibrinoma, benign tumors. ये tumors हम remove भी कर सकते हैं तो वो कुछ नुकसान नहीं करते हैं, आगे पास नहीं होते हैं, ये एक ही जगह पे रहते हैं. But the malignant tumor, how is malignant tumor harmful? Mass of proliferating cells, that is neoplastic or tumor cells that grow rapidly, invade and damage the surrounding normal tissue. Due to active division and growth, they starve the normal cells by competing for nutrients. जो हमारा benign tumor है, पहली बात तो वो move नहीं करता, जाता नहीं है, transfer नहीं होता from one place to the other place. Secondly क्या है, वो कोई नुकसान भी नहीं करता है, मतलब वो इतना ज्यादा सेल डिवीजन नहीं करता है कि वो कंपीट नहीं करता है नॉर्मल सेल्स के साथ. बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, दे कंपीट फॉर द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. सेल्स स्लॉड फ्रॉम ट्यूमर्स रीच अदर साइड्स वेयर ब्लड, वेयर देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बींग है, दिस इज अ बेनाइन ट्यूमर, ये किसी भी टाइप का फ्लूइड ब्लड के अंदर नहीं सेंड कर रहा. लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये क्या कर रहा है, अपने कैंसर सेल्स को ब्लड के थ्रू या फिर किसी भी फ्लूइड के थ्रू दूसरे सेल्स के अंदर भेज रहा है. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर इज वेरी वेरी हार्मफुल, ऑन द अदर हैंड बिनाइन ट्यूमर इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है. मोरओवर वो रिमूव भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन मैलिग्नेंट को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. Now students, what can we say about this is that causes of the cancer. Cancer is a non-communicable disease. Communicable disease नहीं है. इसके हमारे पास agents होते हैं. The physical, the chemical and the biological agents. Carcinogens are the cancer causing agents. Physical हो सकते हैं. Physical like rays. Rays like X-rays and UV rays. They are most harmful cancer causing. Then there are the chemicals. Major cause of lung cancer is vinyl chloride, caffeine, nicotine, mustard gas, etc. ये जो हमारे सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं. बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या फूड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको हम लगातार इनहेल कर रहे हैं, या एयर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. सो नेक्स्ट आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स. When seeing in the normal cell is activity, the cell becomes oncogenic. Oncogenic cells कौन से होते हैं students? Cancer cells. तो कई viruses होते हैं जो क्या कर देते हैं, infection cause कर देते हैं, cancer cause कर देते हैं, but there is nothing like that. ये cases जो होते हैं rare cases होते हैं, नहीं तो ये जो physical and chemical agents are the main cause of the cancer. But you have to remember the proto-oncogenes and the oncogenic viruses which are responsible for causing the cancer. Now cancer ke detection and its diagnosis. The detection of cancer can be done by biopsy, by imaging and use of the antibodies, molecular biology technique. So hum of course dekh sakte hain ki hamare andar lungs ke andar kya problem hai. Lungs ke andar students, lung cancer ke andar kya hota hai, hamare jo alveolar cells hote hain na,
alveolar cells are filled with the further cells. जिसे हमारी lungs की air carrying capacity कम हो जाती है और cells का mass इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो nutrition लेता रहता है, जो compete करता रहता है. So इस केस में भी ऐसा ही होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, मास भर जाता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से लंग्स अपना काम तो परफॉर्म नहीं कर पाती और वीक होती रहती है. नाउ बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी इज अ थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज. इन केस ऑफ ल्यूकेमिया बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर द सेल इंक्रीज्ड काउंट्स. तो स्टूडेंट्स, हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब स्टडी. स्टडी ऑफ द टिश्यू इज डन. अगर आपके कहीं भी टिश्यू के ऊपर आपको वहम है कि कैंसर है, तो वो टिश्यू का एक थोड़ा सा पार्ट लेते हैं एंड उसको स्टडी करते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं कि उसमें कैंसर सेल्स हैं या नहीं है. अगर आपको कोई वैसे प्रॉब्लम लग रही है तो फिर आपके ब्लड का टेस्ट लेते हैं वो, या अदर फ्लूइड्स का, जिसकी वजह से वो कैंसर की प्रेजेंस को, कैंसर सेल्स की प्रेजेंस को चेक करते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द कैंसर सेल्स? कि कैंसर के जो सेल्स होंगे ना, वो बहुत ज्यादा जुविनाइल स्टेज में होंगे, इमेच्योर स्टेज के अंदर होंगे. देन इज द इमेजिंग टेक्निक्स, कंप्यूटराइज टोनोग्राफी, दैट इज सीटी कैन बी डन. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज एमआरआई कैन बी डन. ठीक है, सीटी के अंदर हम एक्सरेज एंड 3D इमेजेस लेते हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की. एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करके हम पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू चेक करते हैं. इंजरी के केस में भी होता है, तो कैंसर के केस में भी हम एमआरआई और सीटी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस. स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज ग्रोथ है ना, इनर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी में भी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीजेंस को रोकते हैं, जो कैंसर्स को रोकने की कोशिश करते हैं. दे आर सम स्पेसिफिक है ना, तो उनको भी, उनकी पहचान करने से भी हमें पता चल जाता है कि कैंसर हमारी बॉडी में बन रहा है. नेक्स्ट इज द मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स, सच एज इंडिविजुअल शुड अवॉइड कार्सिनोजेनिक्स. तो जीन्स को टेस्ट करने के लिए हमें कार्सिनोजेंस को रोकना पड़ता है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं. डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद जीन्स के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर है. सो स्टूडेंट्स, जेनेटिक म्यूटेशंस कैन लीड टू कैंसर. Genetic mutations can lead to cancer. All the carcinogens ultimately cause genetic change that is responsible for uncontrolled cell division. ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी. सो ट्रीटमेंट कैन बी डन, रेडियोथेरेपी. ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. केमोथेरेपी, यूजिंग केमोथेरापेटिक ड्रग्स, दे हैव मेनी साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस एंड एनीमिया. देन इम्यूनोथेरेपी, द पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिवेटर्स दैट आर एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम टू इरेडिकेट द कैंसर cells. And at last, we are having the surgery. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy, and chemotherapy. And in this way. Now we are having the drugs, smoke, alcohol abuse. Commonly abused drugs are opioids, cannabinoids, coca, alkaloids, and of course in some cases it is alcohol. But alcohol ko hum
बहुत ज्यादा मुश्किल वाला ड्रग नहीं मानते, इतना ज्यादा हार्मफुल, बट द अदर ड्रग्स आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस. सो ओपियोइड्स, दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर इन द सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल द मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर एक्सेट्रा. Morphine is extracted from the latex of the poppy plant, that is Papaver somniferum. It is a sedative and painkiller and is useful for the surgery. Basically, इसको pain killing के लिए हम use करते हैं. It makes us feel good, है ना? तो इतना ज़्यादा मतलब वो करने नहीं देती है. जो surgery के बाद का pain होता है, after pain को feel करने नहीं देती है. बट फिर भी जो है मॉर्फिन को लोग यूज करते हैं एज अ ड्रग एंड इट हेल्प्स इन हेलुसिनेशंस, मतलब एज अ स्ट्रेस डिप्रेशन. कई लोग बहुत सारे ड्रग्स यूज करना शुरू कर देते हैं. सो नेक्स्ट इज हीरोइन. हीरोइन को हम स्मैक और डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं. इट इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड. इट इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. ऑफकोर्स डाई एसिटाइल मॉर्फिन, व्हेन एसिटाइल ग्रुप इज एडेड इन द मॉर्फिन, देन उससे क्या फॉर्म होता है, हीरोइन फॉर्म होता है. इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन. इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस. तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है, इफ यू आर इन स्ट्रेस, यू कैन हैव दिस ड्रग, है ना? मतलब लोग यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं इस ड्रग को इन दैट वे. एंड फिर क्या होता है कि ये ड्रग धीरे धीरे हमारे सीएनएस को ऑक्यूपाई कर लेती है एंड अ पर्सन इज वेरी वेरी, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इससे पीछे छुड़वाना. कैनाबिनॉइड्स, सेकेंड इज कैनाबिनॉइड्स. ओपियोइड्स में मॉर्फिन था, ब्राउन शुगर था एंड हीरोइन था हमारा. नेक्स्ट आर कैनाबिनॉइड्स. दे इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स. तो ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. एंड जब भी हम कुछ खाते हैं तो ब्रेन हमारा क्या होता है, एक्टिवेट होता है, जिससे वो एक्टिविट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो करने का एक टाइप से मैसेज भेज देता है हमारे अदर ऑर्गन्स. तो जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन. सो कैनाबिनॉइड्स are obtained from the cannabis sativa, that is the hemp plant. Its flower tops, leaves and resins are used to produce marijuana, hashish, charas and ganja, and these can be taken orally. So itne zyada nuksandayak nahi hote. Of course sari drugs hi nuksandayak hote hain, lekin fir bhi sabse zyada jo harmful drug hai, that is opioid itself. Natural cannabinoids are obtained from inflorescence of plants, cannabis sativa, its flower tops, leaves and resins. Cannabinoids are abused by some sports person to increase the cardiovascular system. को ये effect करते हैं, ये heart beat करवाते हैं, ये energy क्या करवाते हैं, energy increase करा देते हैं एक person के अंदर. तो इसी से क्या हो जाता है, हमारा action जो है, potential वो बढ़ जाता है. You can see here, this is the skeletal structure of cannabinoid molecule and ये आपको question आ सकता है, the structure of cannabis, the structure of cannabinoid. नेक्स्ट आर कोक अल्कलॉइड और कोकेन और कोक. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका. इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. यस, दिस गिव्स अस द हेलुसिनेशन. कोकेन इज यूजुअली स्नॉटेड. इट स्टिमुलेट्स द सीएनएस, प्रोड्यूसेस यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी. एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशन. एट्रोपा, बेलेडोना एंड डेट्यूरा आर ऑल्सो हेलोसिनोजेनिक प्लांट्स. अब यहाँ पे आपको इसका नाम आया है, बेलेडोना का नाम अपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर भी सुना है. सो दीज क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड एंड आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कंबाइंडली. तो यू हैव टू टेक केयर कि कोई भी नीट के अंदर बेसिकली क्या होता है, यही क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बन के कंबाइनली. नेक्स्ट आर ड्रग्स लाइक बारबिट्यूरेट्स
Amphetamines, benzodiazepines are used as medicines to treat mental illness like depression and insomnia, but they are also abused that they, due to which they result in impairment. Moreover, ये depressants and sleeping pills एक बार लेने हमने शुरू कर दिए तो इससे क्या हो जाता है, हमारी addiction हो जाती है इस इन चीजों की तरफ. So, okay, students, that was all about today's topic. Thank you and have a nice day.